साथियों, अच्छी खबर है। आप लोगों का काफ़ी इंतज़ार था, जिसका मुझे था इंतज़ार और जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है, यानी आपका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आज दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की अध्यक्षता में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी इलाहाबाद सभागार में परीक्षा नियामक अधिकारियों की जो बैठक संपन्न हुई है, उसमें आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अगले सिर्फ 3 से 4 मिनट आपको देखना है। मैं बहुत लंबा इसमें कुछ फालतू की बातें नहीं करने वाला, सिर्फ काम की बात करने वाला हूँ, जिसमें 2015 से जितने बैक वैक लगे थे उन सबको लेकर के रिजल्ट ये जारी किया जाएगा, मतलब 15 से लेकर के 22 बैच तक के, ठीक है। तो इसमें सारे सेमेस्टर के जो भी परिणाम आए हैं यहाँ पर उनका विस्तार से लिखा गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करें 2015, 2015 बैक पेपर में जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 4, केवल 4 स्टूडेंट थे, और 4 में से नंबर ऑफ एब्सेंट, कोई एब्सेंट नहीं हुआ था, सभी ने पेपर दिया था, जिसमें 2 बच्चे फेल हुए थे और 2 बच्चे पास हुए थे। 2015 में बहुत कम ही बच्चे होंगे। आप बात करें, मैंने आपकी नज़रें अटकी होंगी 2022 वाले में, तो 2022 में साथियों आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम आया जिसमें बच्चे थे 92,424, इसमें से नंबर ऑफ प्रजेंट स्टूडेंट जिसमें लगभग 89,000 बच्चे प्रजेंट हुए थे और 3,200 बच्चे लगभग एबसेंट हो गए थे, परीक्षा नहीं दिए थे, और 286 बच्चों के रिजल्ट अनकम्प्लीट आए हैं, बुरा नहीं आए हैं। इसमें फेल हुए हैं 50,000 बच्चे। देखो, ये कोरोना वाला माहौल थोड़ा बहुत था, असर था उसका, और लोग पढ़े नहीं वैसे भी, है ना। तो सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं जो 2022 वाले में अगर आप देखो तो यहाँ काफ़ी अच्छी खासी संख्या है जो फेल हुए हैं, 92,000 में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ़ जो फेल स्टूडेंट हैं पूरे पूरे 50,000 हैं, ठीक है। और इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, एक बार मौका है, कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे आप। अगर आपने मेहनत किया था तो दुख की बात है, वैसे कुछ लोग होता नहीं, कहते हैं कि पढ़ा नहीं था तब इतना दुख हो रहा है रिजल्ट देख करके, पढ़ा होता तो क्या होता। तो कम से कम अगर इस कैटेगरी के आप आते हैं तो कोई दुख की बात नहीं है। आगे देखिए, हाँ, ये रिजल्ट जो ये कहानी यहाँ पे आपको दिख रही है, आप इसे पढ़ सकते हैं हर एक सेमेस्टर का, हर एक ईयर का। बाकी चीज़ यहाँ नीचे अगर आप आइए तो यहाँ पर मेन बात यह है कि रिजल्ट ये दिखेगा कैसे, हम कहानी तो बता दिए कहाँ आ गया है, आ गया, मिलेगा कहाँ से। उसके लिए देखिए, यूपी डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये 8 तारीख यानी 8 अक्टूबर को BTCExam.in वेबसाइट पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको PVR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है बाकायदा कि यूपी डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, पूर्व में इसको BTC कहा जाता था। 2015 डीएलएड, 2018 2021 परीक्षा वर्ष, 2023 का परीक्षा फल परिणाम जो है वो जारी हो चुका है, यानी जो बैच है वो 2022 तक के बैच का है। 2023 में तो अभी पता है एडमिशन हो ही रहा है अभी हाल ही में, है ना। तो ये 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन इसका दिया गया है, 8 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद परिणाम आप देख सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2017-19-22 परीक्षा वर्ष 2023 का परीक्षा फल जो है दिनांक 7 अक्टूबर को घोषित किया गया है। वही बात इन्होंने फिर से नीचे लिख रखा है, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ अलग है, बस इसे ईयर की बात अलग की गई है ना। तो ये थी पूरी कहानी। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। और अगर आप BTC के स्टूडेंट हैं, आपका मैथ में बैक लगा है, तो समझ लीजिए मैथ के डॉक्टर यहाँ पे मिलते हैं PVR स्टडी में। आपको बिल्कुल जीरो से मैथ सिखाया जाता है, मतलब आप समझ लो कि जोड़ घटाना गुणा भाग से। अगर मैथ्स में आपको 25 में 25 नंबर चाहिए तो आप PVR स्टडी चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये बात मैं ऐसे हवा हवाई में नहीं कह रहा हूँ, अगर आप YouTube पे जाके देखिए तो PVR स्टडी चैनल पे पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी DLED BTC पढ़ाता होगा सबसे ज़्यादा संख्या PVR स्टडी में है। PVR स्टडी में आज स्टूडेंट की संख्या है 5,22,000 के समथिंग, ठीक है। YouTube पर आप कोई भी चैनल देखोगे जो BTC पढ़ाते होंगे, उनमें बच्चों की संख्या 50,000 60,000 80,000, बहुत ज़्यादा होगी 2 लाख, 2 लाख के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चैनल है जो आपको BTC का पढ़ाते हैं और उसमें इतने बच्चे हों, ठीक है। ये 5,21,000 22,000 के समथिंग बच्चों के साथ PVR स्टडी में आप मैथ की क्लास देख सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन आपको लाइव क्लासें मिलती हैं, वीडियो क्लासें, डाउट पूछने की सुविधा, डायरेक्ट सब्जेक्ट टीचर के व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं। और हाँ, कोशिश भी करते हैं हम आपसे बात करने की डायरेक्ट, कि आपकी हमारी ही बात हो, असिस्टेंट से बात कम हो, ठीक है। तो ये देखें, आप यहाँ पे लाइव क्लासें भी चली हैं बाकायदा, यहाँ पे देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का क्लासें जारी हो चुकी है, टॉपर बैच चल रहा है। 2022 का जो मतलब आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अभी होने वाला है, हाल ही में अगले महीने में सुनाई पड़ रहा है, उसका भी बैच हम लेकर के आ रहे हैं आने वाली 10 अक्टूबर से, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें एक बार, बिल्कुल शुरू से सिखाते हैं। ये भागवा का जो लफड़ा यहाँ देख रहे हो ना, ये आपके डीएलएड वाले सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में, फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये सब जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। ये तो सब
पढ़ें और आगे बढ़ें, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बहुत फालतू की बात करने से कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पर प्लेलिस्ट भी हम बना देते हैं बिल्कुल सिस्टम से। देखो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारे सेमेस्टर की आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अपना ये देखिए 1000, 1500, 1800 बच्चे यहाँ पर भी अपना आजमाते हैं कितना किसको आता है। ये सब आप कर सकते हैं PVR स्टडी के साथ। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।